त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थ जांच हेतु जिला प्रशासन ने गठित की टीम। जबलपुर में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने होटलों और मिष्ठान की दुकानों की जांच शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर द्वारा बनाई गई टीमों द्वारा प्रत्येक दिन अलग क्षेत्रों में जाकर खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों की जांच की जा रही है। जांच टीम ने शहर की मशहूर हीरा स्वीट्स पर छापा मारा और खाद्य पदार्थों की जाँच की। जाँच टीम ने मिष्ठान दुकान से कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और उन्हें लेबोरेटरी में जाँच के लिए भेजा। जांच टीम का कहना है कि बारिश का मौसम है और ऐसे में खराब खाद्य पदार्थ खाने से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इसलिए दुकानों की जांच की जा रही है। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो दिनवार जो दल बनाया गया है जांच के लिए, आज सोमवार के दिन हमारे दल का नंबर है, तो आज उसी तारतम्य में जाँच की जा रही है। आज हीरा स्वीट्स में सैंपल लिए जा रहे हैं, साफ सफाई देखी जा रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है, खाद्य पदार्थों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किस तरह के सैंपल लिए गए? अभी सैंपल लिए गए हैं चमचम, केरा मिल एसेंस और बर्फी आदि की। इस तरह की पहले भी कई शिकायतें पहले आती हैं? हाँ, शिकायतें आ रही है बरसात, क्योंकि सीजन ऐसा है कि जिसमें खाद्य पदार्थों की शुद्धता और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना है। जी भी आज पुलिस बल वो कलेक्टर साहब और एसपी साहब के द्वारा जो टीम बनाई गई है जिले की, जो हम लोगों का टर्म सोमवार को आता है, और हम सभी विभाग जिसमें कि फूड विभाग भी है, एसडीएम साहब है, हम हैं और अपने नगर निगम वगैरह हैं, हर विभाग है, तौल वाले हैं, नाप तौल वाले, श्रम विभाग आके यहाँ पर चेक कर रहे हैं, सैंपल लिए गए हैं, क्योंकि आगामी त्यौहार आने वाले हैं और आगामी त्यौहारों को देखते हुए दुकान में साफ़ सफाई, कोई मिलावट ना हो, इस संबंध में सैंपल फूड वालों लिए गए हैं। लर्न इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लर्न इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भरतपुर गेट चौराहा बिहारी लाल परिसर के सामने, एडमिशन ओपन। करें अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित।